तो पर्ची हमारे पास है उन्हें से ना कौन बोला ये डॉक्टर बोला वहाँ जाइए ऑक्सीजन हमारे पास नहीं है कौन बोला ये डॉक्टर बोला वहाँ जाइए ऑक्सीजन हमारे पास नहीं है वहाँ देखने वाला भी कोई नहीं था ऑक्सीजन लगा दिया बस ये ऑक्सीजन चल रहा है देखने वाला कोई नहीं है जो आता है सर मर जाता है दोनों मेरे सामने मर गया कोरोना की दूसरी लहर का असर मुंगेर में भी साफ नजर आ रहा है। मुंगेर में कोरोना की दूसरी लहर के सामने सरकार के इंतजाम धराशाही हो गए हैं। मुंगेर का स्वास्थ्य महकमा जिस तरह से लापरवाही बरत रहा है उसे कोरोना से निपटना नामुमकिन सा लग रहा है। हर घंटे यहां मरीज दम तोड़ रहे हैं। कौन बोला ये? कोरोना के मरीजों को ना तो जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन मिल पा रहा है और ना ही दवाइयां। यही वजह है कि हर गुजरते घंटे में कोरोना के मरीज दम तोड़ रहे हैं। परिजन मायूसी और बेबसी से अपने जिगर के टुकड़ों को दम तोड़ते देख रहे हैं और सब कुछ छिन जाने के बाद वो बेहतर इलाज नहीं मिलने का रोना रोते हैं। डॉक्टर बोला वहाँ जाइए ऑक्सीजन हमारे पास नहीं है। डॉक्टर बोला वहाँ जाइए ऑक्सीजन हमारे पास नहीं। थोड़े अंतराल के बाद कोविड वार्ड से डेड बॉडी को शवदाह गृह लाया जा रहा है। अफसोस की बात यह है कि नगर निगम के शवदाह गृह की मशीन भी खराब है। पहले इलाज का इंतजार और फिर मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए भी परिजनों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। कोविड की दूसरी लहर में अपने पिता को खोने वाले गुड्डू कुमार भी शवदाह मशीन के ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। गुड्डू ने बताया कि उनके पिताजी कल से GNM स्कूल में भर्ती थे और रात में उनकी मौत हो गई। गुड्डू ने बताया कि अस्पताल में इलाज का कोई इंतजाम नहीं है। उन्होंने कहा कि मुंगेर के कोविड अस्पताल में जो भी इलाज के लिए जाएगा उसकी मौत तय है। उन्होंने कहा कि पिता की मौत के बाद डेड बॉडी को भी परिजनों ने ही पैक किया। अस्पताल के स्टाफ ने एक पन्नी देकर बॉडी को खुद से ही पैक करने के लिए कहा। अब गुड्डू को भी कोरोना का जांच कराना होगा। देखने वाला भी कोई नहीं था ऑक्सीजन लगा दिया बस ऑक्सीजन चल रहा है देखने वाला कोई नहीं जो आता है सर मर जाता है दोनों मेरे सामने मर गया। आज कितना बॉडी निकला वहां से? आज वही 2-3 बॉडी है। व्यवस्था बिल्कुल नहीं था वहाँ। जो जगह वहाँ मर जाएगा एकदम। ऑक्सीजन खत्म हो जाता है नहीं ऑक्सीजन आ रहा है ऐसे वैसे। तो बॉडी क्या पैक करके आप लोग को दिया गया था? बोलिए अपने से किए हैं हम लोग को जांच कराना होगा सब काम अपने से कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आप? वहीं अजीत कुमार नाम के शख्स ने अपनी परेशानी भी साझा की है। अजीत के पिताजी 4 दिन से ICU में भर्ती हैं, लेकिन अब तक उनके पिताजी की कोरोना रिपोर्ट नहीं आई है। ICU से जब उन्हें GNM स्कूल भेजा गया तो उन्हें कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट लाने के नाम पर टरका दिया गया। अब अजीत के पिताजी की सांसें फूल रही हैं और अभी उन्हें कहीं भी भर्ती तक नहीं लिया जा रहा। 4 दिन आज क्या हुआ? आज यही हुआ कि जो यहाँ से ले गए तो फिर वहाँ पे बोला कि नहीं यहाँ रिपोर्ट चाहिए वहाँ पे रिपोर्ट होना चाहिए रिपोर्ट देगा तभी तो होगा यहाँ पे टोटा। कब कराया कोरोना जांच? करवाया तो 4 दिन हो गया करवाया तो रिपोर्ट नहीं आया अभी तक। रिपोर्ट अभी नहीं आया इसीलिए वहाँ कोरोना अस्पताल में भर्ती नहीं किया। नहीं किया फिर वापस यहीं भेज दिया? वापस फिर यहीं भेज दिया। क्या स्थिति है तुम्हारे पिता की? स्थिति यही है थोड़ा हफसी है थोड़ा हल्का खांसी हल्का सीना जो है ना लाल रहता। पूछा नहीं कब तक रिपोर्ट आएगा कोविड का? पूछे हम जाकर 4 दिन में आ जाएगा। अभी तक नहीं आया अभी तक। कोरोना मरीजों को इलाज नहीं मिलने पर गाड़ी में ही मौत हो रही है। लापरवाही का आलम यह है कि कोरोना से मरने वाले मरीजों की बॉडी को पैक करने वाले PPE किट को खुले में फेंक दिया जा रहा है जिससे कोरोना के फैलने का खतरा है। वहीं सफाई कर्मी भी बुरी तरह से डरे हुए हैं। तो यहाँ पे जो PPE किट कौन फेंकता है यहाँ पे? देखिए ना अभी आपके सामने जो निकला है परिजन वो चला गया जो भी परिजन निकलता है किट फेंक देता है जहाँ जहाँ जबकि किट फेंकने के लिए जगह होना चाहिए वहाँ पर बना हुआ है वहाँ नहीं बिक करके यहाँ जहाँ तहाँ बिक रहा है। अभी जो मौत हुआ था जो बॉडी चढ़ा था देखे आप की भैया तुरंत आप मेरे सामने यहाँ रखा है। कितना बॉडी रोज निकलता है यहाँ से? अभी तो भैया हम फिलहाल अभी 2-3 को देख चुके हैं सुबह से। हाँ
क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है। क्या करते हैं आप यहाँ? पंजाब केसरी की टीम ने सदर अस्पताल, आईसीयू और 160 बेड के बने नए कोविड अस्पताल की पड़ताल में कई खामियों का खुलासा किया। मुंगेर के पूरब सराय के जीएनएम स्कूल में बने 160 बेड के कोविड अस्पताल में कुल 22 मरीज भर्ती थे, लेकिन 3 मरीजों ने आज ही दम तोड़ दिया। मुंगेर में हर स्तर पर लापरवाही का आलम नजर आया है। इधर जीएनएम कोविड वार्ड में रखे 5 वेंटिलेटर खुद ही मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। वहीं सदर अस्पताल के सिविल सर्जन हरेंद्र कुमार ने बताया कि टेक्नीशियन के अभाव में सभी वेंटिलेटर चालू नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कई बार मुख्यालय को चिट्ठी लिखने के बावजूद टेक्नीशियन मुहैया नहीं करवाया गया है। हालांकि सिविल सर्जन ने कहा कि अभी ऑक्सीजन की खेप उपलब्ध है और जरूरत पड़ने पर मरीजों को ऑक्सीजन मुहैया कराया जा रहा है। अभी ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ा सा कमी आई थी, तो भागलपुर से सप्लाई नहीं कर रहा था, लेकिन फिर उसका हम लोग समस्या को डीएम मैडम से बात करके सॉर्ट आउट कर लिया। क्या अभी उपलब्ध हो पाया है सर ऑक्सीजन? हाँ, ऑक्सीजन उपलब्ध हो गया, ऑक्सीजन में दिक्कत नहीं, तत्काल दिक्कत नहीं। सर एक मरीज मुंगेर में 1795 सक्रिय केस हैं और डीएम मैडम से बात करके सिविल सर्जन ने इस समस्या को सुलझा लिया है। नए केस हम लोगों के निकले 191, जिसमें मेल 122, फीमेल 69, टोटल एक्टिव केस हम लोगों का हो गया 1795। अब तक मौत कितनी हुई है सर? अभी आपके सामने बात की है कि जो जो वहाँ हम लोग का जीएनएम स्कूल में 2 डेथ अभी बता रहे थे, 2 डेथ हुआ है। अब तक में कुल कितनी मौत हुई सर ये सेकंड पार्ट में? सर सेकंड पार्ट का आंकड़ा अभी सब पूरा नहीं आया, आ जाता है। कोरोना को लेकर अगर मुंगेर के स्वास्थ्य विभाग का यही रवैया रहा तो आने वाले दिनों में मुंगेर की जनता पर ये कहर बनकर टूटेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुंगेर से इम्तियाज की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।